हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बैटल इंडियन। दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक गेमिंग कीबोर्ड की, जो कि होने वाला है KM300F, जो कि एक HP का गेमिंग कीबोर्ड है। एंड यह एक कॉम्बो पैक है जिसमें मेरे को एक कीबोर्ड और एक माउस मेरे को मिला है, जो कि मैंने एक अमेजोन से ऑर्डर किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एंड देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या दिखने वाला है एंड आपको किस तरह की ये लुकिंग होगी एंड इसकी बॉडी फिनिशिंग एंड एग्जैक्ट जो भी माउस वगैरह है, प्रॉपर डिटेल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो नॉर्मली मैंने वैसे ओपन किया हुआ है एंड बस खाली आपको एग्जैक्ट दिखाने के लिए, एग्जैक्ट आपको क्या क्या मिलने वाला है तो सारी जानकारी आपको प्रॉपर डिटेल्स हो जाए। हालांकि मैंने अभी तक इसे यूज नहीं किया है एंड नॉर्मली बस जो अमेजोन के ऊपर जो पैकिंग आती है वो चीज़ मैंने इसकी हटाई है। तो लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हो ये एक कीबोर्ड है, कीबोर्ड आपको एंड राइट हैंड पे आपको माउस देखने को मिल जाएगा, जिसमें HP की ब्रांडिंग के साथ एक पैकिंग हुई भी है। तो मैं माउस को बाहर निकाल लेता हूँ। तो माउस की फिनिशिंग कुछ इस तरह से है, हालांकि ये सिंपल माउस लग रहा है बट इसी एक गेमिंग है, जो कि इसमें आप बटन अगर आप देखोगे तो मैं आपको कैमरा फोकस के साथ आपको बटन दिखा देता हूँ। लेफ्ट हैंड पे दो बटन आपको दिख रहे होंगे एंड उसके बाद उसका राइट और लेफ्ट है एंड फिर बीच में एक बटन है, जो कि इसमें जो हमारा माउस का जो एरो होता है जो फास्ट मूव करता है उसको कंट्रोल के लिए, जो कि एक गेमिंग माउस है। इसके अंदर ये जो आप लेफ्ट हैंड पे जो लेफ्ट क्लिक और आगे की साइड एक और क्लिक देख रहे हैं, तो ये इसमें फॉरवर्ड के लिए और बैक फॉरवर्ड के लिए ये दिया हुआ है, जो कि मैं गेमिंग के अंदर भी इसे यूज कर सकता हूँ। एंड इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा कीबोर्ड, जो कीबोर्ड का इस तरह की लुकिंग है। मैं एक मिनट इसे चीज़ को कागज़ को हटा देता हूँ। तो ये आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा, इस तरह का कुछ कीबोर्ड है, जो कि जो इसकी बॉडी है ये एक मेटल की है, ठीक है, और ये जो इसके की हैं वो एक प्लास्टिक के हैं। इसके अलावा आपको बॉक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस नॉर्मली ये बुक वगैरह है, इसकी जो टर्म कंडीशन होगी वो सब इसमें लिखी होगी, हालांकि इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार मॉडल नंबर मैं आपको कंफर्म कर दूं, KM300F, जो कि एक HP का कीबोर्ड है। तो इसको मैं सेट कर देता हूँ एंड पहले मैं कीबोर्ड को मैं ठीक कर लेता हूँ। तो इस तरह से कुछ लुकिंग है इसकी, देखने में सिंपल लग रहा है दोस्तों। जब जैसे ये ऑन होगा तो इसकी ROG लाइटिंग जो है वो आपकी ब्लिंक करेगी एंड चारों तरफ आपको इसमें लाइट शो होगा, जो कि HP जो ब्रांडिंग है राइट हैंड की कॉर्नर पे ऊपर की तरफ वो भी इसकी ब्रांडिंग करेंगे एंड एक एक की इसकी लाइट में लाइट जलेगी एक एक की। सेम इसी तरह से माउस का भी होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले एक बार मैं इन दोनों को कनेक्ट कर लेता हूँ देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह की लुकिंग आ रही है। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने इस कीबोर्ड को अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया है, जिसमें इस तरह से कुछ लाइटिंग आपको दिख रही होगी एंड सभी की के ऊपर नॉर्मली एक लाइटिंग है, जो कि ROG लाइटिंग है। हालांकि इसे हम कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, अगर मैं चाहूँ कि ये रेड कलर जो है राइट हैंड पे आ जाए और जो ग्रीन कलर है लेफ्ट हैंड पे चला जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बट इसकी जो ब्राइटनेस है लाइटिंग की, वो उसे मैं अप डाउन कर सकता हूँ। नॉर्मली जो इसका फंक्शन की है उसे अगर मैं प्रेस करूँगा तो वो चीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। साथ ही साथ माउच की आप फिनिशिंग देख सकते हैं, नॉर्मली HP का जो लोगो है उस पर लाइटिंग फिनिश कर रही है और नीचे की तरफ जो आपको मैं दिखा दूँ, एंड ये देखिए दोस्तों इसकी एक लाइटिंग आ रही है। हालांकि एक रॉयल एक क्लासिक लुक दे रहा है एंड देखने में तो ठीक लग रहा है एंड आई होप कि ये यूज करने में भी बेस्ट हो। हालांकि इस वीडियो जो ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के बाद में आई थिंक 1 वीक या आफ्टर 2 वीक के बाद एक और वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर, कि इसके इसे यूज करके क्या आपको एक्सपीरियंस मिलेगा एंड किस तरह से ये यूज होगा, मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकती है या नहीं हो सकती। जैसा कि आपने देखा होगा आफ्टर 15 डेज यूज करके जो भी वीडियो होती है, तो उसके टेस्टिंग वगैरह करने वाले हैं पूरी तरह से। तो सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वाले वीडियो भी आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ होने वाला है ये लुकिंग। हालांकि अभी मैंने लाइट ऑन की हुई है तो आपको इसकी जो लाइटिंग की जो फिनिश है वो इतनी खास नहीं दिख रही होगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार अपने रूम का लाइट ऑफ कर देता हूँ देन उसके बाद हम इसे चेक करते हैं कि इसकी लाइटिंग कैसी हो रही है। ये देखिए दोस्तों, गजब, बिल्कुल पैसा वसूल है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो ये बेस्ट कीबोर्ड होने वाला है, खास करके इसकी लाइटिंग फिनिशिंग वगैरह आप देखेंगे तो एक एक की पे एक एक लाइट अलग ही दिख रही है
एंड बिल्कुल फिनिशिंग आ रही है, और जिसमें कि अभी आप मेरा देख सकते हो जो मेरा लैपटॉप है उसकी डिस्प्ले की लाइट यहाँ पे शो हो रही है, इसके अकॉर्डिंग भी इतनी ब्राइटनेस ये दे रहा है एंड इसकी लाइटिंग इतनी ग्लो कर रही है। साथ में साथ ये माउस की भी लाइट आप देख सकते हो, नॉर्मली इसमें भी ब्लिंगिंग आ रही है, एंड सब मिला के मेरे अकॉर्डिंग अभी ये मेरे को बेस्ट लग रहा है, ठीक है। एंड एक बार मैं इसकी जो पीछे का जो बैक साइड की जो ग्रिपिंग है वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें वो चीज़ भी अच्छी चीज़ दे रखी है। एंड उसके बाद इसकी प्राइस की हम बात करेंगे, तो एक मिनट मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी भी काफ़ी नॉर्मल लाइटिंग अच्छी है इसकी, ROG की, हालांकि कस्टमाइज नहीं है बट मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। एंड ये देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड पे एक ग्रिपिंग है जो कि ये एक नॉर्मली रहेगी, इसे हम अप डाउन नहीं कर सकते, मतलब कहने मतलब इसे साइज के अकॉर्डिंग कन्वर्ट नहीं कर सकते, बस जो भी इसमें दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना होगा। एंड इसका भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए दोस्तों, एंड नॉर्मली इसकी इस तरह की ग्रिपिंग हो जाएगी एंड कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है आपको, ऑलमोस्ट डन है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड ये जी इसका जो प्राइस है दोस्तों, मेरे को पड़ा है 1585 का, ये जो कि मैंने अमेजन के थ्रू हाल आज ही ऑर्डर किया था, सॉरी आज कह रहा हूँ कल ऑर्डर किया था, अब वन डे डिलीवरी में मेरे को मिल गया है। एंड इसका प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो मैं भी हो सकता है जब आप ऑर्डर करो तो मैं भी हो 1750 रुपीज़ का हो, या मैं भी हो सकता है 1500 का भी हो सकता है, तो वो उसके ऊपर बात है, इसमें थोड़ा बहुत अप डाउन चलता रहता है। बट जो मेरे को जो बजट पड़ा है वो 1585 रुपीज़ का पड़ा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।